विधानमंडल के बजट सत्र का तीसरा दिन आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधान परिषद और विधानसभा की कार्यवाही। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होगी। सदन में आज तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे। तो एसपी और बीएसपी और कांग्रेस के सदस्य हंगामा कर सकते हैं। बजट सत्र के पहले दो दिन में काफी हंगामा हुआ। मंगलवार को योगी सरकार सदन में बजट पेश करेगी और ऐसे में इससे पहले हंगामा कर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष की होगी। तो वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए आम बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो ये चौथा बजट होगा जिस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि काफी उम्मीदें इस बजट से है। लेकिन आज तीसरे दिन काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर तीसरे दिन बजट सत्र के दौरान जो चर्चा है वो देखी जाएगी। तो तीसरे दिन भी पूरी तरह से हंगामे के आसार जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि बता दें कि इस सदन की कार्यवाही से पहले शुरू होने से पहले ही पहले दिन से जो हंगामा है वो एसपी बीएसपी कांग्रेस के सदस्य करते हुए दिखाई दिए। और आज तीसरे दिन भी कई मुद्दों की गूंज सदन के अंदर सुनाई पड़ सकती है। तो यूपी विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर कार्यवाही का आज तीसरा दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधान परिषद की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रमुख विभागों के लिए कामकाज का जो एजेंडा है वो तय कर दिया है। इसमें श्रम सुधार लागू करने और इज ऑफ डूइंग बिजनेस से 6 सेक्टरों में श्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने का लक्ष्य भी शामिल है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और आदिवासी बहुल 3 मंजिलों में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना भी प्राथमिकता में है। प्रदेश सरकार ने 15 श्रम कानूनों में बदलाव किया है, इनमें से 12 पर अमल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिए श्रम अधिनियमों में सुधार की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसका एक प्रस्ताव इसी बजट सत्र में पारित कराया जाएगा। आम लोगों को होने वाली कठिनाई दूर करने के लिए ईज ऑफ लिविंग पर प्राथमिकता से काम होगा। और मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का भी ऐलान किया है।